गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई माही एंड गाइज, अभी दिन के 12 बज रहे हैं तो आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग से मुझे थोड़ी बहुत काम था तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाई, तो अभी से कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग। एंड अभी सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने, अभी दिन का लंच नहीं किया है। मैंने सुबह सिर्फ वाटर से फेस वॉश किया था, मैं फेस वॉश से फेस वॉश नहीं कर पाई तो अभी मैं फेस वॉश करने जा रही। उसके बाद थोड़ा सा टाइम था तो मैंने थोड़ा सा रील्स बना लिया। देन अभी मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़, तो फिर मैंने अभी मैंने मतलब लंच बनाया है और अभी लंच करती हूँ। देन आपसे बातें मेरे ब्लॉग में। ये बनाया मैंने पनीर एंड राइस। लंच करने के बाद मैं ऐसे वीडियोज़ वगैरह देखने लग गई थी, यूट्यूब वीडियोज़। बाहर ना बादल लगे थे तो फिर मैं बाहर गई नहीं आज, और बहुत जल्दी से अंधेरा अंधेरा सा लगने लगा। अभी वैसे अभी 5:30 हो रहा है, बट देखो कितना अंधेरा हो गया है बाहर। ऊपर बिल्कुल घने घने से बादल लगे, मैं आपको दिखा दूँ। इस ऊपर बिल्कुल बादल लगे हुए हैं। अगर मैं भी बाहर चली जाती और बारिश हो जाती तो मैं बिल्कुल भीग जाती, इसलिए मैं गई नहीं बाहर। आज शाम को मैं आपसे बातें नहीं कर पाई। तो अभी मैं घर पर ही ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों से घर पे ही बातें करूँगी जो भी होता है। बस अभी मैं जा रही हूँ छत पे। ऐसे दिखता है छत से, नीचे का व्यू। मैं जहाँ जाती थी ना तो मैं इस रास्ते, जो ये रास्ता दिख रहा है, यहीं से जाती थी, यहीं से जाती थी मैं। अब मैं जा रही हूँ टेरेस से नीचे घर पे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश आने का हो रहा है। मैं कल शाम ब्लॉग पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं जब नीचे आई तो मेरे बहुत तेज़ हेडेक होने लगा था। फिर उसके बाद मैंने खाना वाना खा लिया था, डिनर खाया, उसके बाद मैंने दवा वगैरह खा के मैं लेट गई थी। और फिर रात के 12-1 बजे के टाइम पे मेरा थोड़ा सा हेडेक ठीक हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग कल मॉर्निंग में मैं ख़त्म करूँगी, तो फिर मैं सो गई थी। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया। गाइस, एक बात बतानी थी आप लोगों को, अगर आप लोगों को मेरे रील्स देखनी है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना एंड मेरी जो रील्स हैं उन्हें लाइक करना एंड शेयर करना। मेरा जो इंस्टाग्राम की आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगी, एंड मैं आपको बता भी देती हूँ, ललिता भट्ट ऑफिशियल, और ये मेरी आईडी है। आप प्लीज़ मुझे फॉलो करो प्लीज़। गाइस, मैं आप लोगों को एक रेमेडी शेयर करती हूँ लिप्स के लिए। अगर आप लोगों को अपने लिप्स नेचुरली पिंक करने हैं, पिंक, आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक चुकंदर लेना, चुकंदर को धोना, फिर उसके बाद बाहर वाला जो छिक्कर रहता है उसको हटा लेना, मतलब छिलके हटा लेना, और अंदर वाले पार्ट को कद्दूकस कर लेना। फिर छन्नी से पानी अलग कर लेना, जो रेड कलर का पानी पिंक कलर का पानी होता है उसको अलग कर लेना। फिर एक बर्तन लेना जिसमें आप उस पानी को उबाल सको, फिर आप उसको उबाल लेना चुकंदर को, फिर उसमें ग्लिसरीन ऐड करना एंड एलोवेरा जेल और विटामिन ई की गोली, इसको मिक्स करना। फिर एक कंटेनर में रखना, फिर इसको ठंडा कर लेना। देन आप उसको वैसलीन के साथ मिक्स करके
अपने लिप्स पे लगा सकते हैं और फिर फ्रिज पे आप काफ़ी दिन तक उसको स्टोर कर सकते हैं। फिर अपने पिंक पिंक होठों को बिना फिल्टर के कैमरे में दिखा सकते हैं। आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय। अब बनाती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।